उधर कश्मीर में कठुआ गैंगरेप के बाद उरी में भी वैसी ही घटना सामने आई है। एक मासूम के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। फर्क सिर्फ इतना है कि उरी में इस अपराध को अंजाम देने वाले लड़की का सौतेला भाई और उसकी सौतेली मां है। कश्मीर के उरी में एक मासूम के साथ जो हैवानियत हुई उसका जिक्र करते हुए एसएसपी इम्तियाज भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। 2 सितंबर को जंगल के इलाके में 9 साल की जिस लड़की का शव मिला उसकी गैंगरेप और हत्या की साजिश उसी की सौतेली मां ने रची। इस बच्ची का पहले रेप हुआ है, ये सब जो लोग हैं इन्होंने इसका रेप किया है, उसके बाद उसका कत्ल किया गया है जिसमें कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। औरत है फहमीदा, उसका बेटा है उसका नाम जो नाबालिग है, और 3 और लोग हैं। लड़की के पिता ने 2 शादियां की थी। पूछताछ में पता चला सौतेली माँ अपने पति की दूसरी पत्नी के बच्चों को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो 23 अगस्त को अपनी सौतेली बेटी को लेकर जंगल में गई और अपने 14 साल के बेटे और उसके साथियों को वहीं ठिकाने लगाने के लिए कहा। इन लोगों ने पहले लड़की का रेप किया, फिर सौतेली माँ ने ही उसका गला दबाया और उसके बेटे ने लड़की के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। छोटे छोटे से बच्ची से नन्ही सी बच्ची को उसने क्या बिगाड़ा था, मगर उसने जो इसने मेरे बेटी के साथ हालत किया है ना, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इन लोगों की हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं हुई। आरोपियों ने जान से मारने के बाद लड़की की आंखें निकालकर उसके शव पर तेजाब डाल दिया जिससे कोई उसे पहचान न सके। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और सभी का सामान जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।